सर दर्द हो रहा है यार, रेस्ट ले लेते हैं जरा। साला टाइम इतना कम बचा है और सिलेबस इतना ज्यादा, इतने कम वक्त में ना तो कुछ याद हो रहा है और ना कुछ समझ आ रहा है। पहले सब कितना अच्छा रहता था, मैं चीजों को समझ के पढ़ता था और साथ ही अपनी पेंटिंग्स बना लेता था, सब सही जा रहा था। पर फिर जब से साइंस एज एन इंटरेस्ट नहीं, एज अ सब्जेक्ट बन के रह गया, तब से सब कुछ बदल गया है। मुझे साइंस बहुत पसंद थी, साइंस इज ब्यूटीफुल, साइंस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। लेकिन जो मैं अब पढ़ रहा हूं, या यूं कहे कि जिस तरह पढ़ रहा हूं, वो तो साइंस है ही नहीं। चलो ये तो बात रही मेरी पढ़ाई की, अगर मेरे पैशन की ही बात करें तो वो बस अब एक हॉबी बन के रह गया है। हालत ऐसी है कि अगर एक पेंटिंग बनाने के लिए भी बैठूं तो गिल्ट होने लगता है कि भाई पढ़ ले, अभी बहुत सिलेबस बचा है। और कहीं ना कहीं शायद इस गिल्ट की वजह से ही मुझे ये तक याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार पेंट कब करा था। घर वाले भी बदल गए हैं, कोई भी आर्ट कंपटीशन के लिए फीस मांगूं तो 10 सवाल पूछेंगे, पर जब बात कोचिंग, ट्यूशंस या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की होती है तब पापा खुशी खुशी अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं। आई वॉन्टेड टू स्टडी लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग एज सब्जेक्ट्स। मेरे दिमाग का इवैल्यूएशन इन सारे सब्जेक्ट से क्यों नहीं हो सकता? क्यों मैं वो चीजें पढूं जो मुझे पढ़नी ही नहीं है? अरे आई डोंट फाइंड द लॉजिक ऑफ कैलकुलेटिंग लॉगरिथम्स इवन व्हेन वी डू हैव कैलकुलेटर्स एंड डिफाइनिंग थिंग्स दैट गूगल हैज ऑलरेडी डिफाइंड। एंड कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है कि मैं पढ़ सकता। काश मैं पढ़ाई में नालायक होता तो ना ही किसी की फॉल्स होप्स को फुलफिल करना होता, एंड मैं अपने लिए जो मुझे करना है वो चीज कर पाता। बेसिकली मुझे किस लाइन में स्ट्रगल करना है वो चूज कर पाता। मुझे तो ये समझ नहीं आता दैट व्हाई इज इट दैट आवर इंटेलिजेंस इज डिसाइडेड बाय आवर मार्क्स एंड नॉट बाय नॉलेज एंड स्किल्स। Why do I have to study imaginary numbers when my imaginations are not being given any value? Why do I have to compromise my dreams just to fulfill someone else's dreams? And why has everyone stopped fighting for their dreams? खैर अब तो माँ आपने इतना पैसा लगा दिया पढ़ाई पे कि अब कुछ नया करने से भी डर लगता है, तो बेहतर यही होगा कि अपना दिमाग बंद करके ही सही, अपना मन मार के ही सही, एक अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेता हूँ। वहां मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता। क्यों, सही कहा ना?